अर्थशास्त्रियों की टीम, जिसमें दिग्गज इकोनॉमिस्ट और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा भी शामिल हैं, के मुताबिक भारत की इकोनॉमी लगातार दूसरी बार नेगेटिव जोन में ही रह सकती है और अब हम अभूतपूर्व मंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक के ताज़ा नावकास्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी करीब 8.6% नेगेटिव में रह सकती है, मतलब एक बार फिर इकोनॉमी में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक का यह अनुमान हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पर आधारित है। बता दें कि पिछली तिमाही में जीडीपी में करीब 24% की गिरावट देखने को मिली थी। तकनीकी तौर पर अगर कोई भी इकोनॉमी लगातार 2 तिमाहियों में नेगेटिव जोन में रहती है तो मान लिया जाता है कि इकोनॉमी मंदी में आ चुकी है। पहली तिमाही में बड़ी नेगेटिव ग्रोथ के बाद दूसरी तिमाही में भी अगर ग्रोथ नेगेटिव में ही रहेगी तो आधिकारिक तौर पर हम ऐतिहासिक मंदी में होंगे। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक अब तकनीकी तौर पर भी भारत की इकोनॉमी मंदी में प्रवेश कर चुकी है। जीडीपी से जुड़े सरकारी आंकड़े 27 नवंबर तक तो आने वाले हैं, तब स्थिति और साफ होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि कंपनियों ने कोरोना संकट के बाद भले ही कंपनी की सेल्स गिरी हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चलते जिससे कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतर हुए हैं। रिपोर्ट में व्हीकल बिक्री से लेकर बैंकिंग लिक्विडिटी के आधार पर अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इकोनॉमी में ये सुधार बरकरार रहता है तो तीसरी तिमाही तक भारतीय इकोनॉमी फिर से ग्रोथ टेरिटरी में वापस आ सकती है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।